बड़ालालपुर से जीवनदीप महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय विभाग में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का परिचय समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर दीप शिक्षण समूह के चेयरपर्सन डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षा संस्थान का आधार उसके विद्यार्थी ही होते हैं और शानदार आगाज ही यात्रा को यादगार बनाता है। कोरोना की विकट स्थिति से निकलते हुए ऐसे आयोजन से निश्चित ही विद्यार्थियों में उत्साह का संचार होगा। यह हर एक विद्यार्थी का दायित्व है कि वह न केवल अपने परिवार बल्कि अपने शिक्षा संस्थान की उन्नति में भी बराबर योगदान देता रहे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण में कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष उपाचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को तकनीकी में हो रहे परिवर्तनों को जानना बेहद आवश्यक है। इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर आप वैश्विक पहचान बनाने में सफल हो पाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने अपने संबोधन में युवाओं से अपील करते हुए शिक्षा में महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार का निर्माण शिक्षा के उचित अनुपालन से होता है। महाविद्यालय के संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि शिक्षकों की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह एक कुम्हार की भांति छात्रों का निर्माण करें। वास्तव में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है जो परिवार में माँ की है। मंच का संचालन महाविद्यालय की समन्वयक अलका सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने किया। संस्था के चेयरपर्सन का स्वागत डॉक्टर स्वाति सिंह ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर नंदा देवी सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शिक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे।